बढ़िया सर, क्या खिला रहे हैं भैया? सबसे पहले मैं आपके लिए आलू पराठा लगाती हूँ, कढ़ी और राजमा चावल। अरे बढ़िया बढ़िया। और मजा करेंगे बाबा, क्योंकि आलू पराठा खाने का बड़ा इच्छा था हमें, और सरिता दीदी के हाथों का आलू पराठा तो क्या ही बताए। चलो आओ बाबा। वाह वाह, बहुत बढ़िया बाबा। भिलाई के जो लोग हैं, मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ाया, मेरे टेस्ट को लाइक किया, उनकी वजह से ही मैं खड़ी हूँ। हमारा और आपका जो रिश्ता है, ईमानदारी का रिश्ता है, तो जो स्वाद हम चखेंगे, जिस स्वाद में होगा दम, वो हम आपको बिल्कुल शेयर करेंगे। केपी न्यूज आप तक तमाम खबरें लेकर आती है, तमाम स्टोरी लेकर आती है, और तमाम बेहतरीन स्वाद भी लेकर आती है। ये है राजमा की सब्जी, वाह वाह वाह, और ये है कढ़ी भजिया के साथ। ये मैं ये नहीं चाहती थी कि लोग मेरी डिग्री देख के आए मेरे स्टॉल पे, मैं चाहती थी कि लोग मेरा टेस्ट को देख के आए कि हाँ यहाँ खाना अच्छा मिलता है। तो भैया भिलाई शहर में अगर बात खाने की हो, तो खाने की व्यवस्था बहुत सारे हैं और बहुत सारे विकल्प भी हैं, मगर बात जब घर जैसा स्वाद का हो तो विकल्प जो है थोड़े कम हो जाते हैं। उन्हीं कम विकल्प को खोजते खोजते हम भिलाई के एक ऐसे जगह पर आए हैं जहाँ पर पराठा और दाल चावल बड़ा ही बेहतरीन स्वाद मिलता है। तो स्वाद कहाँ मिलेगा आपको, हम आपको दिखाएंगे। हमारा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं, और केपी न्यूज़ आप तक तमाम खबरें लेकर आती है, तमाम स्टोरी लेकर आती है, और तमाम बेहतरीन स्वाद भी लेकर आती है, जो हमसे लेकर आप तक पहुंचती है। क्योंकि भैया हमारा और आपका जो रिश्ता है, ईमानदारी का रिश्ता है, तो जो स्वाद हम चखेंगे, जिस स्वाद में होगा दम, वो हम आपको बिल्कुल शेयर करेंगे। तो वैसे ही स्वाद की तलाश में हम पहुँचे हैं। जो इलाका पहले मैं आपको बता दूँ, मैं इस वक्त सुपेला अंडर ब्रिज के ठीक इस पार, जहाँ पर सेक्टर एरिया शुरू होता है, जैसे ही आप सुपेला अंडर ब्रिज से बाहर निकलेंगे सेक्टर की ओर आने के लिए, तो ठीक सामने ऐसा एक स्टॉल देखेंगे। ये जो स्टॉल है, ये अपने आप में एक इतिहास रचा हुआ स्टॉल है, क्योंकि इस स्टॉल को खुले 2 साल हो गया है, और भिलाई में लगभग अब दूसरे जगह पर ये स्थापित हुआ है। इससे पहले जो है बटालियन सेक्टर 6 वाले रोड पर, बटालियन वाले रास्ते में ही ये स्टॉल लगा करता था, जहाँ पर इस स्टॉल का नाम, वैसे दाल रोटी वाली दीदी का नाम से ये स्टॉल है, जहाँ पर जिनका नाम सलिता दीदी है, सलिता दीदी के हाथों में जादू है, और वो जादू स्वाद से आपको समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 प्रकार के पराठे बनते हैं। और जब मौसम ऐसा ठंडा हो, हल्की हल्की बारिश हो रही हो, थोड़ा मज़ा आ रहा हो, तो पराठे, रायता, पनीर की सब्ज़ी, राजमे की सब्ज़ी बड़े ही लजीज स्वाद के साथ, अच्छे अच्छे रंगों के साथ देखने मिलता है, तो खाने का भी जी करता है। तो हमें भी खाने का जी किया है, तो हम यहाँ पहुँचे हैं दाल रोटी वाली दीदी के यहाँ, जहाँ पर आलू पराठा, सत्तू पराठा, पनीर पराठा, पैरी पैरी पराठा भी मिलता है। अब ये पैरी पैरी पराठा क्या होता है, ये स्वाद के हिसाब से देखा जाएगा, तो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ थाली की व्यवस्था है, और रायता बोलते हैं यहाँ का गजब है, और बोला जाता है कि यहाँ जो राजमा चावल मिलता है वो बेहतरीन से भी बेहतरीन है। तो जो बेहतरीन से भी बेहतरीन है, उसे हम स्वाद करके ही, चख कर ही आपको बता पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम, किसका, भोजन का। तो समय हो रहा है, 1 बज चुका है दोपहर के, और दोपहर के बीच में खाना जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए अभी कुछ लोगों ने यहाँ पर बढ़िया पराठा का लुत्फ़ उठाया है, तो हम जो आ गए हैं चखेंगे यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन स्वाद है सभी चीज़ों का, वो पराठा हो या फिर राजमा चावल हो या फिर रायता हो। चलते दीदी नमस्कार। कैसा चल रहा है आपका दुकान और आपके स्टॉल की चर्चा पूरे भिलाई शहर में है? उस चर्चा को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आ गए हैं, क्योंकि स्वाद जो है हमें खींच कर लाता है आप तक। थोड़ा बताइए, पहले आप जो है माइक लगा लेते हैं। तो दीदी आज क्या खिला रहे हो आप, आज के मेन्यू में क्या कुछ खास है? भैया आज के मेन्यू में है राजमा और कढ़ी पकौड़ा बना हुआ है। वैसे मेरा मेन्यू जो है वो डेली चेंज होता है, तो रोज आपको अलग अलग सब्जियां मिलेंगी। मैंने सुना व्हाट्सएप
ग्रुप भी मेंटेन करते हैं जिसमें तमाम लोग जुड़े हैं भिलाई शहर के। जी जी, व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मेरा मेनू जो है वो डेली चेंज होता है, तो मैं उसमें रोज का मेनू शेयर करती हूँ ताकि आपको लगे कि अगर आपकी पसंद का बना है तो आप यहाँ पर आइए, नहीं तो आपका मतलब समय भी बचना चाहिए। यहाँ पर आएंगे आपको लगेगा कि मेरी पसंद का नहीं बनाया, आप वापस जाएंगे। खाना खत्म हो जाता है तो भी उसमें इन्फॉर्मेशन आती है कि खाना खत्म हो गया, फिर आपको यहाँ पे नहीं आना है। और जैसे स्टॉल किसी दिन बंद रहा तो वो भी इन्फॉर्मेशन हम उसमें शेयर कर देते हैं। पूरी सुविधा मिल रही है, किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है यहाँ अगर आते हैं तो। यहाँ से तमाम लोग जुड़े हैं मगर बातचीत जो है बाद में की जाएगी, जब खाने की बात है सबसे पहले स्वाद। तो दीदी बढ़िया से आप क्या खिला रहे हैं भैया? सबसे पहले मैं आपके लिए आलू पराठा लगाती हूँ, कढ़ी और राजमा चावल। अरे बढ़िया बढ़िया, तो सबसे पहले आलू पराठा का स्वाद लेंगे और मजा करेंगे बाबा, क्योंकि आलू पराठा खाने का बड़ा इच्छा था हमें। और चलते दीदी के हाथों का आलू पराठा तो क्या ही बताए। चलो आओ बाबा, ये देखो ये बैठने की व्यवस्था देखिए है ना, बढ़िया पेड़ के नीचे ये छोटा सा स्टॉल है। वाह वाह, ये आ गया है आलू का पराठा और ये देखिए रायता और ये मिर्ची की चटनी और प्याज और ये जो लाल लाल आपको नज़र आ रहा है ना, ये टमाटर की चटनी। खैर आपको हम क्या बताएं, सबसे पहले स्वाद करते हैं, इसका स्वाद चखते हैं फिर बताते हैं। देखिए थोड़ा बाबा करीब आइए और इस आलू के पराठा को थोड़ा करीब से दिखाइए, क्योंकि ये जो स्वाद है ना करीब से देखने पर ही समझ में आता है। देखिए हालांकि मैं कितना भी आपको इन तमाम वीडियो के ज़रिए वाह 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 बहुत मज़ेदार चीज़ है भाई, मतलब जितना हमने सुना था कि अच्छा है अच्छा है, मगर ये बहुत अच्छा है। और हमने पहले भी कहा था आपका और हमारा ईमानदारी का रिश्ता है बाबा, तो स्वाद के मामले में हम आपसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो इस आलू के पराठे के जो दम है ना वो आपको चख के समझ में आ गया, हालांकि हमने बता दिया है प्याज मिलेगा साथ में, मिर्ची का अचार मिलेगा साथ में। वाह वाह, देखिए इस प्लेट में जो तमाम चीज़ें देख रहे हैं ये सभी के सभी होम मेड है, मतलब हाथों से बनाया गया खाना है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि घर जैसा स्वाद चाहिए तो कुछ तमाम बहुत कम विकल्प है, उन सभी विकल्पों को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पहुँचे हैं जहाँ का स्वाद बहुत ही मज़ेदार है। और इस स्वाद के हम दीवाने नहीं हैं, पूरे भिलाई दीवाने हैं। तो क्योंकि जैसे दीदी ने बताया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत लोग जुड़े हैं और लगातार मेन्यू पूछते हैं दीदी आज क्या बनाएं खाने पे, तो ठीक 12-1 बजे पहुँच जाते हैं और हमारी तरह घर का स्वाद जो बहुत मिस करते हैं उनके लिए ये खास व्यवस्था है। रायता पीकर देखते हैं कैसा है। वाह 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 वाह, मन तृप्त हो गया बाबा, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। तो अभी तो आलू का पराठा खा रहे हैं, हम आपको यहाँ का राजमा चावल भी खा के दिखाएंगे। चलिए बाबा, आलू का पराठा जो है बड़ा ही मज़ेदार था, मगर मैं आपको बोला था राजमा चावल यहाँ का आपको खिलाऊंगा जो बढ़िया कढ़ी के साथ है। और ये जो है ना मैं जैसे बोला, देखिए थाली देखिए घर वाला फील आता है कि नहीं, तो भैया ये खाना है सबसे पहले और आपको बताना है, बड़ा मज़ा आएगा। वाह वाह, देखिए ये है राजमा की सब्जी। वाह वाह वाह, और ये है कढ़ी भजिया के साथ। बाबा ये भजिया कढ़ी और ककड़ी इसका स्वाद हम आपको बताते हैं। सबसे पहले रायता डाला जाए और बढ़िया मिलाया जाए। बाबा देखो एकदम बेहतरीन, वाह वाह बहुत बढ़िया बाबा। दोपहर का खाना खाना हो और घर जैसा खाना खाना हो तो सलीता दीदी के यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ का पराठा हमने खाया तो सबसे ज़बरदस्त चीज़ था और हमने अभी जो है बढ़िया राजमा चावल कढ़ी के साथ खा रहे हैं, इसका स्वाद बेमिसाल। तो जो हम बड़े बड़े शब्द यूज़ कर रहे हैं ना आपके लिए, ये ऐसे यूज़ नहीं कर रहे हैं बाबा, ये स्वाद में दम। तो अब भोजन करने का जो कार्यक्रम था वो निपट चुका है, बहुत ही बेहतरीन स्वाद का आनंद हम ले चुके हैं। आपको अगर इस आनंद का अनुभव करना हो तो ज़रूर आइए, एड्रेस हम बता भी चुके हैं एक बार लिखवा भी देंगे, बढ़िया आप आइए यहाँ पर स्वाद चखिए। और ये स्वाद की भी जो शख्स हैं वो महिला हैं सलीता दीदी, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। सलीता दीदी कितना समय हो गया है आपको ये कार्यक्रम शुरू किए, स्टॉल शुरू किए, स्टॉल में
आप तमाम प्रकार की चीज़ें बनाती हैं, तो थोड़ा इस बारे में बताइए। भैया मुझे अब ऑलमोस्ट 2 ईयर होने जा रहे हैं। इससे पहले महाराणा प्रताप चौक में लगा, यहाँ पे 3 महीने हो रहे हैं। अब यहाँ से भी मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। थोड़ा स्टेट ऑफिस वाले परेशान कर रहे हैं और अपनी भी खुद की कुछ परेशानियाँ हैं। तो मैं अभी शॉप में शिफ्ट करने जा रही हूँ। अच्छा, तो अभी अब तीसरी बार आप शिफ्ट होने जा रहे हैं, मतलब? अच्छा, ये इतने बार शिफ्ट हो चुके हैं आप दुकान को लेकर, कस्टमर जो है इधर तो नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे ग्रुप्स बने हुए हैं और माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा है भैया। किसी को भी पता चल जाता है कि यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, फिर एक से दूसरे को पता चल जाता है और कस्टमर को टेस्ट पसंद आ रहा है तो वो लोग कहीं पे भी ढूंढ के आ जाते हैं। देखिए, पूरा जो मामला है ना टेस्ट का होता है गुरु। अगर टेस्ट में दम है ना तो आदमी पीछे पीछे आ ही जाता है। तो अभी ये जो स्टॉल है ये 1 तारीख को दूसरी जगह शिफ्ट होने वाला है। तो दीदी देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि शिफ्ट होने वाला है। तो दीदी से भी जान लेते हैं, दीदी कहाँ हो रहा है शिफ्ट? भैया ये सतनाम भवन वाली रोड में आप आएंगे, सी मार्केट और सतनाम भवन के बीच में 4-5 दुकानें हैं। हाँ। वहाँ पे मैंने एक शॉप रेंट पे ली हुई है, दाल रोटी वाली के नाम से रहेगा। हाँ। तो भैया ये दाल रोटी वाली के यहाँ पर अगर आप स्वाद चख चुके हैं और आप भी यहाँ पर खाने डेली आते हैं, देखिए जैसे भीड़ लगातार यहाँ पर बन रही है, मेरे खाते खाते भी तमाम लोग यहाँ पर आ गए थे और भी लगातार यहाँ लोग आते हैं। जो कस्टमर शुरू शुरू में बने थे वो कस्टमर आज तक यहाँ पर आते हैं। तो मामला जो है स्वाद का बहुत तगड़ा है, तो इस तगड़े स्वाद को चखने के लिए यहाँ ज़रूर आइए। यहाँ का मेन्यू अलग अलग होता है। दीदी से जुड़ने के लिए मैं दीदी का नंबर ऐड कर दूँगा। दीदी आप सभी को ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा ना, जो भी आएगा यहाँ पर। और आप अगर अपने जितने भी कस्टमर हैं उनको कुछ कहना चाहती हो दिल से, क्योंकि वो आपके स्वाद के दीवाने हैं, क्योंकि हम भी दीवाने हो चुके हैं, थोड़ा आप भी कुछ बता दीजिए। एक्चुअली मैं भिलाई के जो लोग हैं, मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ाया, मेरे टेस्ट को लाइक किया, उनकी वजह से ही मैं खड़ी हूँ। मेहनत तो भले ही मैं कर रही हूँ, लेकिन जब तक कस्टमर नहीं आएंगे, जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, हम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो लोगों ने मेरे जो खाने के टेस्ट को इतना पसंद किया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आप लोग सब इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है आपसे, मैंने सुना था कि आपने MBA किया हुआ है, और मैं जब भी देखता हूँ अगर कोई व्यक्ति MBA किया हुआ है या फिर BCOM किया हुआ है, वो अपने स्टॉल के सामने उसको बिल्कुल दर्ज करता है। हाँ। मगर आपने दर्ज नहीं किया, क्या इसके पीछे कहानी? मैंने MBA दाल रोटी वाली मैं लिख सकती थी, लेकिन हाँ। मैंने स्टार्टिंग फेज पे ये इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं चाहती थी कि लोग ये जाने कि मैं कैसा टेस्ट देती हूँ। ये हाँ। मैं ये नहीं चाहती थी कि लोग मेरी डिग्री देख के आए मेरे स्टॉल पे, मैं चाहती थी कि लोग मेरा टेस्ट को देख के आए कि हाँ यहाँ खाना अच्छा मिलता है। अब मैं जो शॉप पे जा रही हूँ, मैं वहाँ पे MBA दाल रोटी वाली लिखने के लिए हिचकिचाऊंगी नहीं, क्योंकि लोग मेरे टेस्ट को देख कर आते हैं। जी जी, देखिए लोग टेस्ट देख कर सही में आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर भीड़ बनते रहती है। और देखिए एक अपने पाजी भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि इनका भी ऐसा कहना है कि स्वाद जो है सबसे दमदार है यहाँ का, और मैंने भी स्वाद चक्कर आपको बता दिया है, और हमारे तरफ से ये गारंटी है कि स्वाद के मामले में आप जो है नाराज़ बिल्कुल नहीं होंगे। और सलिता दीदी की यह जो दुकान है, ये स्टॉल है, ये शिफ्ट होने जा रहा है, कहाँ शिफ्ट हो रहा है आप इसके बारे में जानकारी ले चुके हैं। हमारा जो काम था हमने कर चुका है, आपको स्वाद बता दिया गया है हमारी तरफ से। अगर आपको इस स्वाद को चखना हो, यहाँ का आनंद लेना हो और घर जैसा खाना बाहर खाने का इच्छा है, तो सलिता दीदी से संपर्क करिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि KP न्यूज़ आपका बिल्कुल ख्याल रखता है, इसलिए आपको तमाम भिलाई की खबरें, भिलाई दुर्गपुर छत्तीसगढ़ की खबरें आपको दिखाते रहता है, और यहाँ का जो स्वाद है वो भी आपको चखाते रहता है। तो KP न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, हमारा नाम मनीष है, लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।